फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है रीवर्क। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर वन। अब जब भी कोई बिजनेस की किताबें पढ़ेंगे तो ज्यादातर बुक्स में आपको एक ही जैसी सलाह मिलेगी, जैसे एक बिजनेस प्लान लिखो, कंपटीशन की स्टडी करो, इन्वेस्टर खोजो आदि आदि। अगर आप इसी तरह की कोई और दूसरी बुक की खोज कर रहे हैं तो फिर आपके लिए रीवर्क है, जो आपको बिजनेस में सक्सेस होने का बेटर, फास्टर और इजियर वे में दिखाई दे। ये बताए कि प्लान बनाने, आउटसाइड इन्वेस्टर खोजने, कंपटीशन की स्टडी करने, वर्कहोलिक बनने, पेपर वर्क एवं मीटिंग में समय बर्बाद करने और ऑफिस मेंटेन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। तो केवल और केवल रीवर्क ही एक ऐसी बुक है जो आपको इन सवालों के जवाब दे सकती। रीवर्क बुक आपको वास्तव में ये बताती है कि असल में आपको इन सब के बारे में अब बात करना बंद कर देना चाहिए, बल्कि काम करना शुरू कर देना चाहिए। ये सिखाएगी कि आप मोर प्रोडक्टिव कैसे बने रहें, कैसे अपने पैसे बर्बाद किए बगैर अपने काम को एक्सपोज करें। इस बुक में आप इससे भी ज्यादा काउंटर आइडिया यानी प्रतिवादात्मक विचार जानेंगे जो आपको इंस्पायर करेंगे। रीवर्क आसान भाषा और एक बेहतर दृष्टिकोण के साथ उन सभी के लिए एक सटीक टूल है जिन्होंने अपने दम पे कुछ करने का सपना देखा है। ये बुक स्मॉल बिजनेस ओनर, नौकरी के शिकार और आर्टिस्ट आदि के लिए बेहद वैल्यूएबल है। रीवर्क को पढ़ने से पहले यह जानते हैं कि इसे आपको क्यों पढ़नी चाहिए, तो जानते हैं वह चार मूल बातें जो जेसन और डेविड हमें सिखाना चाहते हैं। चैप्टर टू। कोई भी काम करना इसलिए बंद ना करें या फिर शुरू करने में भी झिझके नहीं कि आपसे गलतियां होंगी। जबकि आपके मस्तिष्क में ये जब विचार आए तो इसे इस तरह से सोचे कि मिस्टेक आपकी लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हमारे पास ऐसे कई बहाने होते हैं जिनका यूज हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर के कामों को करने से बचने के लिए करते हैं, जैसे हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। इस तरह के बहाने हम अक्सर फेलियर से बचने और अपने अहंकार को बचाने के लिए करते हैं। इस बात की आपको कई बार सलाह भी मिलती होगी कि फला इंसान ने यह काम किया था तो देखो वह आज बर्बाद हो चुका है। इस बारे में ये बुक हमें सिखाती है कि दूसरे लोगों ने जो किया है वह आपसे अलग है, इसलिए उसका पालन करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अपने नियम बनाने की अनुमति न दे, उनके आधार पर ये तय न करें कि क्या काम करेगा और क्या नहीं करेगा, क्योंकि दूसरे लोगों की गलतियां आखिर दूसरे लोगों की ही गलतियां हैं, उनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप अपने असफलताओं से ज्यादा अपनी सफलताओं से सीखते हैं, सफलता से आप जानते हैं कि क्या काम करता है, इसलिए आप सफलताओं को बार बार दोहरा सकते हैं, लेकिन असफलताएं आपको सिखाती हैं कि क्या काम नहीं करता है। किसी दूसरे की सफलता आपको ये नहीं बता सकती, इसलिए आपका ये समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि सक्सेस पाने के लिए फेलियर का आना जरूरी नहीं है। यह बुक आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बजाय सबसे इंपॉर्टेंट काम पे फोकस करने के सक्षम बनाती। अगर आप बड़े प्लान बनाते हैं फिर उन पर अटिक रहते हैं, आपका भविष्य मुसीबत में पड़ सकता है। आप इन बड़े प्लान को प्लान ना कहकर इन्हें एक आइडिया कह सकते हैं। मान लीजिए आपने एक आइडिया बनाया ताकि आपको दिशा की स्पष्ट कल्पना रहे कि आपको किस ओर जाना है। आज आपने जो आइडिया बनाया है वह फ्यूचर में रिलेवेंट होगा या नहीं, यह हम पूर्व अनुमान नहीं कर सकते। समय समय पर इसके बदलाव आवश्यक होते हैं ताकि आप फ्यूचर में आने वाली दिशाओं में आगे बढ़ना जारी रखें, जो उस समय सबसे ज्यादा परफेक्ट होगी। जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू तो किया दूसरे काम से किया था, लेकिन आज वे उससे बिल्कुल अलग बिजनेस में हैं। वे अब दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड बने हुए हैं। इनमें सबसे जाना पहचाना नाम अमेज़न का है, जिन्होंने बुक बेचने से अपना बिजनेस शुरू किया, आज सब कुछ बेच रहे हैं। यूट्यूब डेटिंग साइट से शुरू होकर आज वीडियो शेयरिंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। ओला आज राइड शेयरिंग बिजनेस से इलेक्ट्रिक स्कूटर के बिजनेस में है। नेटफ्लिक्स ने अपना कारोबार डीवीडी रेंट पर देने से शुरू किया था, लेकिन आज वो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के बिजनेस में है। इसी तरह से इंस्टाग्राम अपने चेकिंग बिजनेस से सोशल मीडिया के बिजनेस में है। टाटा ने एक ट्रेडिंग फॉर्म से अपना कारोबार शुरू किया था, आज इसे हर क्षेत्र में फैला दिया है। इसलिए ये बुक इसे बेहतर तरीके से सिखा सकती है कि अक्सर योजनाएं बहुत पहले बना ली जाती हैं, भविष्य में जब उन्हें लागू करने का समय आता है तो उनका तब कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि पास्ट में सोचा गया भविष्य बदल जाता है। यदि आप अपनी प्लानिंग को छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं जिन्हें हम एक निश्चित टाइम में माप सकते हैं, जैसे वीकली प्लानिंग सिस्टम आदि के द्वारा तय कर सकते हैं, तो आपको किसी बड़ी चीज का अनुमान लगाने की तुलना में इसके सटीक होने की ज्यादा संभावना होगी।
चैप्टर नंबर 4। मैं जब भी कहीं ये सुनता हूँ कि 24 घंटे में से 19 घंटे अपने काम को करते हुए बिताओ, तो मुझे कपकपी सी चढ़ने लगती है। उस समय मैं स्वयं को एनर्जेटिक न महसूस करके डरा हुआ महसूस करने लगता हूँ। फिर सोचने लगता हूँ कि अगर मुझे इतना ही काम करना है तो फिर वो सब कब और कैसे करूंगा जो बड़े बड़े लोग करते हैं, जैसे दुनिया की सैर, एकांत में बैठकर बांसुरी सीखना और बजाना, कोई पेंटिंग करना, योग ध्यान और प्राणायाम करना, अपने स्वयं के बारे में जानने के लिए ढेर सारी पुस्तकें पढ़ना, नए नए दोस्तों को बनाना, नए नए क्षेत्र देखना, इसी तरह के वे सभी काम जो आप सोचते हैं। इस बारे में ये बुक सिखाती है कि आप वर्कहोलिक बनकर जितना हल करते हैं उससे कहीं ज्यादा तो आप समस्या पैदा करते हैं। वर्कहोलिक इंसान अपने इंटेलिजेंस की कमी को छुपाने के लिए फोर्सेज यानी बल का प्रयोग और ज्यादा ताकत से करने लगता है। वे ऐसा स्वयं अच्छा महसूस करने के लिए भी करते हैं, न कि समस्याओं को सुलझाने के लिए। यदि आप भी यह मानते हैं कि वर्कहोलिक होना एक अच्छा गुण है, तो आप ये नहीं जानते होंगे कि आपकी इस समय असल में वास्तविक समस्या क्या है। हाँ, ये लोग इतनी मेहनत कभी कभी इसलिए भी करते हैं कि ताकि दूसरों को नीचा दिखाया जा सके। वे ये साबित कर सकते हैं कि वास्तव में उनसे ज्यादा डेडिकेशन से यह काम कोई और नहीं कर सकता है। ऑथर लिखते हैं कि आवश्यक पड़ने पर ही इतनी कड़ी मेहनत करें, ना कि हर समय, वरना आप ऑन मैन आर्मी से ज्यादा कुछ नहीं। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पर चर्चा किया है, उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपने कीमती समय देने के लिए। ये थी आज की ऑडियो बुक समरी, तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं। प्लीज थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाइक है।